हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे हैकू के बारे में। लिटरेरी टर्म्स है ये भी, एक फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, पोएट्री की फॉर्म्स में ही आता है हैकू। तो व्हाट इज़ हैकू, हैकू का मीनिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। ए हैकू पोएम हैज़ 3 लाइन्स वेयर द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन्स हैव 5 मोरास। जो हैकू होता है, हैकू पोएम होती है, इसमें 3 लाइन्स होती हैं ओनली। वेयर द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन्स हैव 5 मोरास, इसमें 5 मोरास होते हैं पहली और तीसरे लाइन में। अब वाइल द मिडल लाइन हैज 7, जबकि जो बीच की लाइन होती है उसमें 7 मोरास होते हैं। और जो ये पैटर्न होता है, इसको जैपनीज पैटर्न बोलते हैं। जैपनीज जनरे में इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये 5-7-5-7-5-7-5 का होता है। ये जो मोराज होता है, इसको आप स्लेबल भी बोल सकते हो, स्लेबल जो होता है हमारा, ठीक है, स्लेबल से आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। द मोरा इज़ अनदर नेम ऑफ ए साउंड यूनिट, जो मोरा है वह अनदर नेम ऑफ ए साउंड यूनिट, साउंड यूनिट का ही दूसरा नाम है। विच इज़ लाइक ए स्लेबल, जो एक स्लेबल की तरह ही होता है हमारे पास, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ए स्लेबल, पर ये जो है स्लेबल से थोड़ा डिफरेंट होता है। एज द मोराज कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश, दे आर मॉडिफाइड एंड स्लेबल्स आर यूज इंस्टेड। ये जो होते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता इनको, दे आर मॉडिफाइड, इनको सिर्फ मॉडिफाई किया जाता है, एंड स्लेबल्स आर यूज इंस्टेड, और इनके बदले स्लेबल्स को यूज़ किया जा सकता है। द लाइन्स ऑफ सच पोएम्स रेयरली राइम्स विद ईच अदर, और इसकी जो पोएम्स की लाइन्स होती है वो एक दूसरे के साथ राइम्स नहीं करती है, ये अनराइम पोएम होती है। सबसे इंपॉर्टेंटली इसमें 3 लाइन्स होती है, फर्स्ट एंड लास्ट में इसके 5 मोराज होते हैं और मिडल में 7, इसलिए इसका जैपनीज पैटर्न बोलते हैं इसको, 5-7-5 में होता है, मीन्स जैपनीज जनर है हैगू। और इसमें जो है इसकी राइम्स, ये एक दूसरे के साथ राइम्स नहीं करती है पोएम्स की लाइन। हैकू बिकेम पॉपुलर एज टंका पोएम इन जापान ड्यूरिंग द 9th and 12th centuries। हैकू पोएम जो थी ये प्रसिद्ध हुई थी टंका के रूप में जापान में 9th and 12th century के दौरान। इट वॉज कॉल्ड होकू, इसको तब होकू कहा जाता था वहाँ पर। एंड बाशो भूषण एंड ईशा वर द फर्स्ट 3 मास्टर्स ऑफ द हैकू जनर, और जो बाशो भूषण और ईशा थे वो 3 मास्टर्स थे हैकू जनर के सबसे पहले। हैकू पोएट्री इज़ ऑल्सो फुल ऑफ मेटाफोर्स एंड पर्सोनिफिकेशंस, जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं हमारे, मेटाफोर्स एंड पर्सोनिफिकेशंस, इनसे भरपूर होती है हैकू पोएट्री, इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं ये। हैकू पोएम्स आर यूजुअली अबाउट नेचर और नेचुरल फेनोमेन, प्रकृति से जुड़ी होती है ये। द पोएम हैज़ 2 जक्सटापोज्ड सब्जेक्ट्स, दे आर डिवाइडेड इंटू 2 कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट्स, इसमें 2 अपोजिट आइडियाज़ होते हैं, अपोजिट सब्जेक्ट्स, जो 2 अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग भागों में डिवाइड होते हैं। इन इंग्लिश दिस डिवीजन बिटवीन 2 पार्ट्स कैन बी शोन बाई ए कॉलन और डैश, और इंग्लिश में ये जो 2 पार्ट्स होते हैं इसके, इनको शो किया जाता है कॉलन और डैश के द्वारा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं, द वेव राइजेज हाई क्रैशेज डाउन ऑन टू द रॉक्स गॉन बट स्टिल लाइव। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 3 लाइन्स है आपके पास, फर्स्ट एंड 3 में आपके 5 मोराज होते हैं इसमें, और ये मिडल है इसमें 7। इसको जापान में हुई थी इसकी, ये फेमस जापान जैनर है ये, और इसकी राइम्स भी एक दूसरे से नहीं कर रही है, इसकी लाइनें एक दूसरे से राइम नहीं कर रही है। और आपका ये प्रकृति से भी जुड़ा है, वेव्स जो आपकी लहरें होती है, ऊँची उठती है, चट्टानों को टकराती है, तोड़ती है, ठीक है, ये सब आपका प्रकृति से जुड़ी है। द पैटर्न इज स्लेबल ऑफ 5-7-5। द पोएट हैज़ ट्राइड टू प्रेजेंट ए लिटिल स्टोरी इन दिस हैकू, और जो पोएट होता है वो ट्राइड टू प्रेजेंट ए लिटिल स्टोरी इन दिस हैकू। हैकू में जो पोएट होता है वो छोटी सी स्टोरी बताने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी पसंद आई होगी आज को, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।